राजस्थान में साल 2023 के आखिर में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में राज्य पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर बनी हुई है और कन्हैया लाल हत्याकांड का भी चुनाव प्रचार के दौरान जिक्र किया जा रहा है। ऐसे में जयपुर शहर में 29 सितंबर को इकबाल और राहुल नाम के दो लोगों की बाइकों के बीच टक्कर हो गई थी। उसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। आसपास के लोगों ने इकबाल को गाली देने से मना किया तो इकबाल का वहां मौजूद लोगों से भी टकराव हो गया और लोगों ने इकबाल पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले के बाद इकबाल की अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मृतक इकबाल के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया और उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और डेयरी बूथ आवंटित करने का ऐलान किया। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से शेयर किया जाने लगा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कन्हैया लाल की हत्या पर 10 लाख और इकबाल को 50 लाख का मुआवजा दिया। ऐसा कहते हुए लोग अशोक गहलोत पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन ने रिपब्लिक भारत चैनल पर ऐसा ही दावा किया। कन्हैया की हत्या प्लैंड वे में की गई थी, उसको हत्या के कई दिन के बाद 10 लाख रुपया, और रोड रेज में एक हत्या हो गई चूंकि वह मुसलमान है, उसको तुरंत 50 लाख। समाज डिमांड कर रहा है 1 करोड़। ये सरकार झुकेगी और इसी का ये परिणाम है कि आज जो गुलाबी नगरी है उसका रंग लाल होता जा रहा है। जो सौहार्द की और शांति की और प्यार की प्रतीक थी गुलाबी नगरी जयपुर, आज वो नफरत और घृणा का स्थान बनता जा रहा है, जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है। ऐसा ही दावा करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ये बैंक चेक की तस्वीर शेयर करने लगे। उत्तर प्रदेश भाजपा आईटी सेल के सहप्रमुख अभिषेक तिवारी ने भी यही दावा ट्वीट किया। वायरल दावों की छानबीन करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि सोशल मीडिया पर किए गए दावे बेबुनियाद है। 29 जून 2022 की लाइव हिंदुस्तान की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतक कन्हैया लाल के परिवार को 50 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करते हुए ये बात बताई थी। राजस्थान सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर मौजूद प्रेस रिलीज में बताया गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में कन्हैया लाल के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और उनकी पत्नी को 50 लाख की सहायता राशि का चेक दिया था। वहीं राजस्थान सरकार के जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट करते हुए वायरल दावों का खंडन किया है। यानी राजस्थान सरकार ने मृतक कन्हैया लाल के परिवार को 50 लाख की सहायता राशि दी थी और इकबाल के परिवार को भी 50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। लेकिन हमेशा की तरह राइट विंग अकाउंट्स ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए झूठा दावा चलाया।